IVF ऐसा शब्द है, इसकी कपल्स, कुछ कपल्स जो शादी करते हैं उनको इसकी जर्नी लेनी पड़ती है। जैसे कि आप कोई डेस्टिनेशन पे जाते हो, वैसे इस डेस्टिनेशन पे कुछ कपल्स को ये रास्ता तय करना पड़ता है। इनके लिए जो कपल्स जिनकी प्रेगनेंसी नहीं आती है वो ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें एडवाइस करते हैं कि IVF करना होगा या वो खुद प्रेग्नेंट हो जाएंगे या IUI करना होगा। कपल में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, तो जो पुरुष होती है उसकी भी जांच होती है और जो स्त्री होती है उसकी भी जांच होती है। उनके जो एनाटॉमिकल मतलब कि जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, जैसे कि पुरुष के शुक्राणु की जाँच होती है, महिलाओं के अंडकोश, ट्यूब, बच्चेदानी की जाँच होती है, प्लस उनके बॉडी में जो हॉर्मोन्स पल रहे हैं मीन्स जो ब्लड सप्लाई जा रहा है उसकी जाँच होती है। इसके बाद ही डिसाइड होता है कि IVF उनका होगा या नहीं। IVF ऐसी जर्नी होती है जिसमें कि जो बच्चे होते हैं जो खुद से बनते हैं, वैसे अगर आप नॉर्मली कंसीव करो तो वो एक तरह से लैब में बनाए जाते हैं और लैब में बना करके आपके अंदर डाले जाते हैं। तो ये एक जर्नी होती है जो खुद में काफ़ी मतलब फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से आपको जो है सो उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इसलिए पेशेंट्स को इसके लिए मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह से उनको तैयार होना पड़ता है। इसके लिए आपका डॉक्टर और पेशेंट का आपस में ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पेशेंट को इसके लिए हर तरह से गाइड करते हैं, जैसे इमोशनल गाइडेंस भी देते हैं। जो आपकी मेडिकल टेस्ट हैं वो तो हम करते ही हैं, उसके अलावा आपको इमोशनली हम सपोर्ट की तरह खड़े रहते हैं, प्लस फाइनेंशियली भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे EMI के ऑप्शंस होते हैं वो भी पेशेंट को दिए जाते हैं, जिससे कि वो IVF कर सकें और संतान का सुख प्राप्त कर सकें।